आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने जनपद वासियों को दी एक और सौगात, 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा वेटनरी विश्वविद्यालय। चिन्हित स्थल का ग्रामीण विधायक डीएम ने अपने टीम संघ किया निरीक्षण, कहा दिसंबर में मुख्यमंत्री कर सकते हैं शिलान्यास। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में स्वर्णिम दो दशक धरोहर के तहत जनहित के सवाल, सत्ता और पत्रकारिता विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। प्रथम सत्र में शामिल हुए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, कहा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से बनाएंगे सरकार, रिकॉर्ड सीटों से होगी भाजपा की जीत। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पत्रकारों से अपनी दोस्ती के संबंधों को किया याद, कहा आपका अपना है मत तो हमें भी पता है कैसे डालना है शहद। सत्ता से पत्रकार की मित्रता हो सकती है लेकिन पत्रकारिता से सत्ता की मित्रता नहीं हो सकती है, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार राहुल देव ने कहा। असली पत्रकारिता की स्वतंत्रता संपादक की नहीं मालिक की होती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सर्किट हाउस के सभागार में जन जागरूकता पर आधारित वीडियो फिल्म का किया लोकार्पण, कहा फिल्म के माध्यम से नागरिकों को बाढ़ से बचाव के लिए किया जाएगा जागरूक। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित स्वर्णिम दो दशक धरोहर कार्यक्रम के दूसरे सत्र में जुड़े अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और तीसरे सत्र में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारी संख्या में शामिल हुए पत्रकार। बिहार टेक्सटाइल बिल के ड्राफ्टिंग के संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री ने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के उद्योगपतियों के साथ किया विचार विमर्श। उद्योग मंत्री ने कहा बांग्लादेश की चुनौती से निपटने के लिए आने वाला बिल उत्तर प्रदेश और बिहार के कपड़ा उद्योग के लिए होगा बेहतर। गोरखपुर में गुरुवार को मिले दो नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,332। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 56 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम के रेंट एवं संपत्ति और विधि विभाग की बैठक। नगर आयुक्त ने कहा न्यायालय में चल रहे निगम की जमीनों की पैरवी के लिए नगर निगम नियुक्त करेगा जुडिशरी अधिकारी, मानदेय पर रखे जाएंगे रिटायर कानूनगो और लेखपाल। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 32 केंद्रों पर 18,057 लोगों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कहा नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और शासन के निर्देश पर गुरुवार को भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहा नाइट कोरोना कर्फ्यू। एसपी सिटी ने कहा कोरोना के संभावित तीसरे लहर से बचने के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित।